हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मेरी वॉइस से ही पता चल रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है, इस वजह से हम जो है वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहे थे। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट था जिसकी वजह से गला ख़राब होने के बावजूद भी मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस हार्ड वर्क के लिए आप लोग भी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट हम इग्नू के ऑफिशियल पोर्टल पे। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट भी आ सकते हैं गूगल पे टाइप करके ignu.ac.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इग्नू का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा, और आप यहाँ पर नीचे आएंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सिर्फ मैं आपको अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन के बारे में नहीं बताता, मैं आपको ये भी बताता हूँ किस तरह से आप नोटिफिकेशन खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट का एक कॉलम है जहाँ पर फर्स्ट ही नोटिफिकेशन है जिसका नाम है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टर्मिनेट एग्जामिनेशन December 2020। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा खुलेगा। क्लिक हियर फॉर डिटेल पे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का जो है पेज खुल जाएगा। आप देखिए, वही मैदानगढ़ी जो मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इग्नू का, वो यहाँ पर है। और 29 अक्टूबर 2020 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, और आज 30 अक्टूबर 2020 को ये नोटिफिकेशन जो है इग्नू की वेबसाइट पे अपलोड की गई है। अब चलिए आपको पढ़ के सुनाते हैं क्या ये नोटिफिकेशन है। तो दिखाते हैं नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन December 2020। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा इसके टाइटल से ही कि जो ये नोटिफिकेशन है ये उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो December 2020 में एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हैं या उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म अपना फिल किया है। तो आगे पढ़ते हैं, इन कंटिन्यूशन ऑफ अर्लियर नोटिफिकेशन इशूड बाय SED इग्नू डेटेड 22nd of July और 30th July एंड 1st of October 2020 द टर्म एंड एग्जामिनेशन December 2020 शैल नाउ हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू बी कंसर्न। इसका मतलब ये कहा गया, जो अभी तक की डेट शीट आ रही थी प्रोविजनल डेट शीट इग्नू की, जिसमें एग्जामिनेशन बताए जा रहे थे कि 1st December से स्टार्ट हो जाएंगे, अब उसे जो है होल्ड कर दिया गया। अब वो जो आपके एग्जामिनेशन दिसंबर में होने थे, अब आपके एग्जामिनेशन फरवरी 2021 में होंगे, जिसके साथ कई ऐसी चीज़ें बदल चुकी हैं जो आपको जानने चाहिए। जैसे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट जो है वो भी एक्सटेंड हो गई होगी, असाइनमेंट सबमिशन की डेट एक्सटेंड हो गई होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट आपके सबमिट होते हैं उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई। तो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहला है, द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 15th of December 2020। जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है, ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन फॉर्म आप सबमिट करते हो जिसकी लास्ट डेट जो है 10 नवंबर थी, उसको एक्सटेंड करके अब 15 दिसंबर कर दिया गया है। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट ऑनलाइन हैज़ ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड अप टू 15th December। जो आपकी असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी वो एक्सटेंड करके 15 दिसंबर कर दी गई है। ऑल्सो द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट इन टर्म्स एक्सेट्रा, इन सबकी डेट भी जो है 15 दिसंबर कर दी गई है। द स्टूडेंट हु आर कुड नॉट अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन June 2020, हु आर रजिस्टर्ड फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन December 2020, फरवरी इन देयर वैलिडिटी और रजिस्ट्रेशन एक्सपायर इन दिसंबर फॉर दिस पर्पस। ओके, बेसिकली क्या कहा इन्होंने, जिन बच्चों को जून 2020 में एग्जामिनेशन देना था, फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों को जून 2020 में एग्जाम देना था बट ड्यू टू कोविड एक्सेट्रा वो नहीं दे पाए, और उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा, तो आप लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग भी जो है फरवरी में अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं चाहे आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाए फिर भी। पांचवे पॉइंट की बात करते हैं, द स्टूडेंट हु अप्लाइड टू अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन June 2020 हेल्ड इन September 2020 बट कुड नॉट अपीयर इन एनी और अल्बो कोर्सेज विल ऑटोमेटिकली बी परमिटेड टू अपीयर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन December 2020 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली वही कहा गया, जो स्टूडेंट अपीयर नहीं कर पाए थे June 2020 एग्जाम, वो ऑटोमेटिकली उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो ट्रांसफर हो जाएगा February 2021 के लिए, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, एग्जामिनेशन फॉर्म आपको जो है फिल करना पड़ेगा, जैसे जिन बच्चों ने एक दो एग्जामिनेशन देने के बाद छोड़ दिया, तो आप लोगों को जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसकी फीस जो है ₹150 पर कोर्स होती है। सिक्स पॉइंट की बात करते हैं हम, द स्टूडेंट हु आर रजिस्टर्ड फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन June 2020 हेल्ड इन सेप्टेम्बर द एग्जामिनेशन फीस शैल बी एडजस्टेड। जिन बच्चों ने June 2020 का एग्जाम
एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, उनकी जो फीस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी दिसंबर 2020 के लिए। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक भी पेपर नहीं दिए थे, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि अगर आप एक भी पेपर नहीं देंगे तो आपकी फीस जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी नेक्स्ट सेशन के लिए। तो यही थे एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो वीबी नेगी जी ने जो है हम सभी को दी है ऑफिशियली पोर्टल पे डाल के। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, गला खराब होने के बावजूद भी मैंने यह वीडियो आप सभी के लिए बनाई है। तो प्लीज़ उस हार्ड वर्क को भी आप पे करें और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। बच्चे परेशान है कि सर लास्ट डेट क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की, सर ऑनलाइन सबमिशन नहीं हो रहा, असाइनमेंट कैसे सबमिशन करें, बहुत सारे डाउट हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के डाउट जो है ख़त्म करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, और अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।